ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। वाओ, ये चिकन ग्रीन तो मेरा फेवरेट है। हाँ सरफराज, ये तो मुझे भी पसंद है। वैसे मुझे दावत में हर चीज पसंद आती है। बिस्मिल्ला। माशाल्लाह, ये तो टेस्टी है। अब देखना तुम दोनों, मैं कैसे सभी चीज खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। लेकिन अब्दुल बारी, अंशरापा कहाँ है? वो अम्मी के साथ लेडीज रूम में है। लेकिन तुम इतना थोड़ा सा लेकर क्यों खा रहे हो अब्दुल बारी? अब्बा और अम्मी ने सिखाया है कि हम थोड़ा थोड़ा करके ले, और तुम दोनों को भी कम लेकर खाना चाहिए। अरे अरे अब्दुल बारी, हम दावत में आए हैं, ज्यादा लो और खाओ। नहीं, अगर जरूरत लगी और भूख बाकी रही तो दोबारा ले लूँगा। जाओ, तुम्हें जैसा खाना है खाओ, हम तो सब चीज लेकर खाएंगे। ये ठीक नहीं। वो क्यों भला? जो कोई वजह हो, लेकिन फिलवक्त खाने दो मुझे। हैं? इन्हें मैं कैसे समझाऊँ? ये इतना इतना खाना ले रहे हैं, पता नहीं पूरा खा पाएंगे भी या नहीं। लेकिन अगर मैंने नहीं समझाया तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर इन्होंने खाना छोड़ दिए तो वो जाया होगा और फेंकने में जाएगा। अब बस, मेरा तो पेट बिल्कुल भर गया, अब और नहीं खा सकता मैं। और ये मैं भी रुक जाता हूँ, अब पेट दर्द हो रहा है। नवेद, सरफराज, ये क्या? क्या? ये तुम लोगों ने प्लेट में खाना छोड़ दिए, वो भी इतना सारा? हाँ, इसमें क्या हुआ, जब पेट भर जाता है तो मैं हमेशा छोड़ देता हूँ बचा हुआ खाना। बहुत गलत बात है ये दोस्तों। हमें कहीं भी, चाहे घर में हो या बाहर दावत में, खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये तो फेंकने में चला जाएगा। अरे तो तुम क्या चाहते हो, हमारा पेट भर चुका तो क्या फिर भी हम प्लेट साफ करके खाएं? इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके खाना लेना चाहिए अपनी प्लेट में, ताकि पेट भर जाए तो प्लेट में खाना बचा हुआ नहीं रह जाए। ठीक है, लेकिन प्लेट में खाना रह जाए तो क्या हर्ज है? क्यों नहीं है? देखो, हाल ही में मुझे मालूम हुआ कि कितने ही गरीब लोगों को ठीक तरह से पेट भर कर खाना नहीं मिलता, और वो लोग आधा पेट खाते हैं। तो उनके खाने से हमारे पेट का क्या? अरे रे रे नवेद, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि दूसरों को भी बराबर मिले, खासकर गरीबों को। और हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बनना चाहिए कि उसने हमें खिलाया पिलाया। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता हमारा पेट कब भरेगा, और इसीलिए मैंने ज्यादा ले लिया जो अब बच गया। हमें कम लेना चाहिए। और क्या तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि हमें अपने भूख के मुताबिक थोड़ा कम ही खाना चाहिए, मतलब पेट में खाली जगह छोड़ देना चाहिए। अरे वो क्यों, जब खाना है तो खाएंगे ही ना। थोड़ा कम खाने से हमारा हाजमा ठीक रहता है, और अगर हाजमा ठीक रहे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, और हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो अगर सेहतमंद रहना है तो थोड़ा कम ही खाए। अरे अब खा पी लो अब्दुल बारी, ये दावत है। नहीं, दावत हो, शादी का खाना हो, हमें हर जगह खाने को जाया होने से बचाना चाहिए। ये देखो, मैंने अपना प्लेट कैसे साफ करके खाया हूँ, जरा भी वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है अब्दुल बारी, हम भी आइंदा से थोड़ा थोड़ा लेकर खाएंगे, ताकि वेस्ट ना हो। हाँ ठीक है, अब चलो। ये हुई ना बात, चलो आपा भी खा चुके होंगे और शायद इंतजार करते होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों और सभी फिक्रमंद वालिदैन, देखा हमने किस तरह जो है बच्चे अब्दुल बारी, नवेद और सरफराज जो इस बात को डिस्कस करते हैं कि खाना जो है हम लोग बहुत ज़्यादा ना लें, और उसे यूं ही ज़ाया ना करें, इसराफ ना करें, कि वो जो है खाना आँखों की भूख रहती है एक तरह से कहे, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, जो है दावतों में शादियों में अक्सर जो है खाना ज़्यादा ले लेते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं यूं ही। दूसरी तरफ बहुत सारे गरीब लोग है ना, ऐसे बहुत सारे इलाके, बहुत सारे घर हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे आधा पेट खाना खाते हैं या बहुत अच्छा खाना उन्हें मुहैया नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम जो है खाना इसराफ ना करें, फेंके नहीं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें, और बेहतर तो ये कि थोड़ा कम ही ले, थोड़ा कम ही खाए, उससे जो है हमारा हाजमा और सेहत जो है वो अच्छा रहता है।
उम्मीद है आप सभी लोग इस बात पे अमल करेंगे इंशाल्लाह और अपने बच्चों को इस बात की तालीम देंगे कि वो जो है कहीं भी जाए कहीं भी रहे अपने घर में भी जो है खाना थोड़ा थोड़ा करके ले और इसराफ ना करे उसका। इंशाल्लाह जल्दी लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।